सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52। एक त्रिभुज बनाओ जब ऊंचाई h, भुजा और दो आधार कोण x, y के समान दिए हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखी है एक ऊंचाई, तो हम सबसे पहले ऊंचाई ले लेते हैं। ऊंचाई एच रेखा के समान और दो हमें कोण दिए हुए आधार कोण है, ये हमें दे रखे हैं एक्स और वाई। इस तरह से ये हम बना देंगे दो कोण। ये आपका है x कोण, ये है y कोण। अब सबसे पहले हमें जो दिया है वो हमने बनाना है, तो हमें इसमें AB रेखा या ऐसी कुछ भी रेखा, कोई आधार रेखा नहीं दी है, सिर्फ हमें आधार कोण दिए हैं और एक हाइट दी हुई है। तो सबसे पहले जो हमें हाइट दी हुई है वो हमने लेनी है, तो हम जितनी हमारी हाइट है इतनी हम प्रकार खोल देते हैं। यहाँ पे ये आपकी हाइट है और यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं, यहाँ से तो सबसे पहले हमने हाइट लेनी है और ये हम डॉटेड लेंगे इसको। इस तरह से ये हमारी हाइट है और इस पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो आपकी रेखा दी इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे O और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका A, इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है O पॉइंट पे, देख सकते हैं इस तरह से आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से अब हमें इसको मिला देते, अब हम यहाँ पे ना हल्की लाइन लगाएंगे, अभी हम इसको डार्क नहीं करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे हल्की लाइन लगा देंगे और अब आपने क्या करना है, जो आपकी रेखा है, ये जो रेखा है इसी के समानांतर हमने यहाँ से रेखा खींचनी है A से, इसी के समानांतर हम यहाँ से रेखा खींच देंगे। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, समानांतर रेखा है ये, इस तरह से। ये जो आपका A पॉइंट है यहां से हम रेखा लगा रहे हैं, अब आपके पास दो आधार कोण दिए हुए हैं X और Y, तो आपने इतनी प्रकार खोलनी है। ये आप देख सकते हैं ये इतना है, ये भी इधर को इतना ही है, तो यहां से हमने चाप लगानी है A पॉइंट पर प्रकार को, यहां से चाप लगा दो इस तरह से, इधर को भी चाप लगा दो एक, इस तरह से। अब ये एक्स कोण जितना आपका बड़ा है यहां से इतनी प्रकार हमने खोलनी, आप देख सकते हैं। और आपने यहां से, आपने इस रेखा से नहीं काटना है, यहां से काटना है, यहां पे इस तरह से। ये आपका एक्स कोण है,
एक्स कौन है, और इसको आपने जो है वो मिला देना है ए के साथ इस तरह से। हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका एक्स कौन है। पहले हमने इसको इतना मिलाना है, फिर इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ तक जहाँ ये आपकी नीचे 90 डिग्री वाली रेखा आई थी यहाँ तक इसको हमने इस तरह से डार्क कर देंगे। अब नीचे जहाँ पे ये मिल रही है पॉइंट आपका आ गया बी। अब आपने क्या करना है, वाई कोण को आपने नापना है, वाई कोण आपका कितना बड़ा है, ये इससे थोड़ा छोटा है एक्स कोण से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आपने इस तरह से इसको आपने काट देना है और इसको भी आपने मिला देना है यहाँ से ए के साथ। पहले हम इसको मिला देंगे यहाँ से और फिर इसको आप आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ये आपका कोण आ गया वाई। और जहाँ पे ये नीचे मिल रही है रेखा ये आपकी आ गई सी। अब हम जो है सी और बी रेखा को भी डार्क मिला देंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अब आप चाहो तो ये जो रेखा आपकी है इसको आप मिटा सकते हैं, और यदि आपने नहीं मिटाना तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो गया है, जो कि यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि आपकी हाइट है जो एच रेखा है, ये आपने हाइट यहाँ लगाई है और ऊपर आपने लाइन लगाई है, इसका नाम हम दे देते हैं डी, और ये आपकी बी सी रेखा की समानांतर है। और पहले हमारे पास बी सी पॉइंट नहीं आया था इसलिए हमने सिर्फ समानांतर रेखा लगाई थी, नाम इसका कोई नहीं दिया था। ये आपका प्रश्न नंबर है 52, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 53। एक त्रिभुज बनाओ जबकि ऊंचाई h और दो भुजाएं ए बी दी हो। तो देखियो इसमें पहले हमने 52 जो प्रश्न नंबर बनाया था उसमें था कि दो कोण दिए हुए थे x और y, और 53 में हमें क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं a और b और एक ऊंचाई दी हुई है। तो हम सबसे पहले ऊंचाई ले लेते हैं यहाँ पे, ये हम ऊंचाई ले लेते हैं h, और दो हम भुजा ले लेते हैं a और b। तो हम यहां एक भुजा ले लेते हैं a और एक भुजा हम ले लेते हैं b इस तरह से। ये हमारी भुजा a और ये भुजा गई b। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी कितनी है, इतनी हमने प्रकार खोलनी है, देख सकते हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं ऊंचाई इस तरह से यहां से, और हम ऊंचाई जो है वो डॉटेड लगाएंगे यहां पे, ऊंचाई के बराबर हम यहां लाइन लगाते हैं डॉटेड इस तरह से। और ये हमारा है नीचे हमारा पॉइंट ये आ जाता है डी, और ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है सी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, डी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो डी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से। 90 डिग्री का कोण आपको पता ही है कैसे बनता है, हमने इसको मिला देना है और हम इसको हल्का मिलाएंगे, डार्क हम इसको नहीं मिलाएंगे यहां से, अभी हम इसको हल्का मिलाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ए जो आपकी रेखा है इतनी प्रकार खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां से ए के बराबर ये देखिए, और हमने सी से जो है इस रेखा को यहां से इस तरह से काट देना है, जहां पे ये कटेगा इस पॉइंट पे इसका नाम हम दे देंगे ए, ए को हमने सी के साथ डार्क मिला देना है यहां से, यहां देख सकते हैं ये त्रिभुज की एक भुजा आ गई है इस तरह से, और हम यहां लिख देंगे ए। तो आपने क्या करना है, एक भुजा दी हुई है बी, तो आपने बी जितनी प्रकार खोलनी है
यह देख सकते हैं, ये हमारा है बी। इतने प्रकार खोल करके आपने सी से जो है सी पर प्रकार रखनी है और यहाँ पे इसको आपने इस तरह से काट देना है। ये जो आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट है, ये आपका है बी। आपने बी और सी को भी आपस में मिला देना है इस तरह से। पर अब आप इसको भी डार्क कर सकते हैं, बी ए बी को भी यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये ए बी को भी हमने डार्क कर दिया है और ये आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। ये आपकी हाइट है एच और ये रेखा है आपकी बी और ये प्रश्न नंबर आपका है 53। ये आपका बन के तैयार।